हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। परेशानी है वो इस वक्त सुनने को कोई तैयार नहीं। जो सत्तासीन है उन्होंने दो टूक कह दिया कि 3 तारीख को आइए, 3 तारीख को मिलेंगे। वो भी तब जब घर से निकल चले थे दिल्ली पहुंचने के लिए, पूछ करने के लिए, मुलाकात के लिए। सीएम इस बीच में कहते हैं कि केंद्र से अपनी सभी जायज मुद्दों के लिए सीधे बात करें, तो सीधे ही तो बात करने जा रहे थे। जायज या ना जायज ये कौन तय करेगा? पहले इनकी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा? आज जहां पर इन किसानों को इस तरह से रोकने की कोशिश हो रही है, वहां पर कृषि मंत्री क्यों नहीं है? वहां पर मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल आपको सही लगता है क्या? लाठी चार्ज अन्नदाता पर इस देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? वो किसान जो पूरे देश का पेट पालता है, जो सबका भरण पोषण करता है, आज वो अपने भरण पोषण की चिंता लिए सड़क पर जब निकला सत्तासीन लोगों से बात करने के लिए, तो उसे कुछ इस कदर से परेशान किया गया जो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कई किसान बेहोश हुए। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी इंद्र, एक बार फिर मैं बहुत स्वागत करती हूँ हरियाणा न्यूज पर आपका। अन्नदाताओं के साथ जो एक्शन लिया जा रहा है, इनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है दिल्ली कूच करने से रोकने को लेकर, प्रतिक्रिया आपकी? मन तो बहुत दुखता होगा। जी बहुत मन दुखी है, पर एक तरफ से मन को एक शांति है कि ये मुद्दा जो है राजनीतिक न होकर किसानों का अपना मुद्दा है। आप देख रहे होंगे किसान जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, पर प्रशासन उनको उकसाने की कोई भी जो है कमी नहीं छोड़ रहा है। जानबूझकर किसानों युवाओं को उकसाया जा रहा है, पर देखिए हमारे धैर्य को। हम किसी औजार किसी हथियार के साथ नहीं नियंत्रते हैं दिल्ली की ओर भर रहे हैं। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं क्या भारत के अंदर किसानों का कोई संवैधानिक अधिकार बनता है या नहीं बनता? क्या सिर्फ किसान लाठियां खाने के लिए, गोलियां खाने के लिए, सड़कों पर दद्दर भटकने के लिए बना है क्या? पीपली का लाठी चार्ज अभी कोई भूला नहीं, वो गुस्सा शांत नहीं हुआ। आज एक और लाठी चार्ज की खबर आ गई। जिस तरह से आंसू गैस के गोले एक के बाद एक फायर किए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि पटाखे चल रहे हैं वहां पर। ये जो चीजें हो रही हैं किसानों के साथ, इसको लेकर आप अपनी सरकार से कुछ पूछेंगे? सरकार से ही तो हम बार बार पूछ रहे हैं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। हम आप लोगों के बहुत ऋणी है कि आप हमारी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। हम हरियाणा की सरकार से, दिल्ली की सरकार से पूछना चाहते हैं। जब दिल्ली का मुख्यमंत्री हमें बुलाना चाहता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री हमें बुलाने के लिए न्योता दिया है और उसने ये कहा कि दिल्ली के अंदर कोई अस्थायी जेल नहीं बनेगी, मैं अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करता हूँ कि उसने अपना बड़ा हिस्से दिखाया है। वास्तव में अगर दिल्ली के अंदर कोई 56 इंच का जीना है तो अरविंद केजरीवाल का है, जिसने खुलकर किसानों का समर्थन किया है। तो मैं आज जो बात कहना चाह रहा हूँ कि प्रदेश के प्रधानमंत्री को भी कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी को कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी आप भारत के लोगों की वोटों से आप प्रधानमंत्री बनते हैं। एक सेकंड रुकिए सर, मैं आ रही हूँ आप ही के पास लौट कर आ रही हूँ। सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। शास्त्री जी नमस्कार, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद जी। ये जो किसानों के साथ दिल्ली कूच करने से रोकने को जो लेकर व्यवहार हो रहा है सर, ये ठीक जान पड़ता है आपको? देखिए ये पहला बात तो किसान नहीं है। अच्छा, हाँ पक्का मानकर चलिए ये लोग कांग्रेस और विपक्ष जो हताशा में निराशा में वो अपने जमीन ढूंढने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को किसान के नाम से इकट्ठा कर रहा है। अच्छा, पहली बात। उसके बाद फिर भी आंदोलनकारी हैं, देश के नागरिक हैं, लोकतंत्र की व्यवस्था है, उसमें एक सीमा होती है विरोध की और एक सीमा होती है विरोध के से अराजक तत्व उसमें शामिल ना हो। उसके तहत जो कार्रवाई पुलिस और प्रशासन तत्काल जो समुचित जान पड़ते हैं वो करनी होती है, किया भी जाता है। आप इतने विश्वास के साथ, इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं सर कि ये किसान नहीं है? मैं इतने विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज के समय में उत्तर भारत के किसी भी प्रांत में ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई व्यक्ति खाली हो। तो आज या तो किसान अपने खेत में है या किसान अपना बेटी और बेटे की शादी के ब्याह में मशगूल है। उसको एक एक व्यक्ति आज ढूंढने से नहीं मिल रहा, उसको आंदोलन करने का कहाँ समय है उसके पास? स्वामी इंद्र, ये कांग्रेस के लोगों की हिमायत कर रहे थे आप? ये देखिए कितने ये बेबस आदमी है। समझ नहीं आ रही देश की जो परिस्थितियां उनको दिखाई नहीं दे रही,
किसान इन्होंने मंडियों में खड़ा कर रखा है महीनों से, उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर अभी तक किसान की जो धान की बिकवाली नहीं हुई है। किसान बिजाई कर रहा था, ऐसे में ये ऐसे कानून लेके आ गए, किसानों को मजबूरी में सड़कों पे आना पड़ा। सरकार, केंद्र सरकार ने कुछ कानून बनाया, शास्त्री जी कोई गुनाह नहीं। आप मानेंगे आपके किसान है कि नहीं है? जी मैं कह रहा हूँ कि किसान हरियाणा में प्रवेश करना चाह रहा है, दिल्ली में प्रवेश करना चाह रहा है। हाँ। कहाँ का किसान है? कहाँ का किसान है मतलब? आप पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से मेरे साथियों से, आपके प्रदेश का किसान है, इस देश का किसान है जो आपका और हमारा पेट भरता है, वो किसान है? ठीक है, मैं ये वो किसान है जिसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल नेहरू, स्वामी इंद्र मुखिया साहब से बात कर रही हूँ मैं, ये वो किसान है शास्त्री जी जिसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया। आप सुनिए, अपने सीएम को तो सुनेंगे। सीएम ने यह ट्वीट किया है कि केंद्र बात करने के लिए तैयार है, केंद्र सरकार से सीधे बातचीत करें। ये किसान जो सीएम को नजर आते हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे, ऐसा क्यों? इसलिए हाँ। कि जो तत्काल परिस्थितियां हैं उनका नजरिया है कि जो भी विरोध करता है या उसके जिसके मन में कुछ शंका है कानून के बारे में, इस देश में कोई कानून 1947 में 50 में जब लागू हुआ था आपने उसके बाद में ऐसा इसलिए मतलब ठीक है, ये सीएम को किसान दिखते हैं आपको नहीं दिखते? ये किसान मैं कह रहा हूँ कि उसमें कुछ किसान है, बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके अंदर। सर उन कुछ किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्यों उनको आंसू गैस के गोले से परेशान कर रहे हैं? क्यों वाटर कैन का इस्तेमाल हो रहा है? अरविंद केजरीवाल दिल्ली उनका आह्वान कर रहे हैं, आप आइए, हम आपके लिए कोई स्थायी या अस्थायी जेल नहीं बनाएंगे, तो आपको क्या प्रॉब्लम है दिल्ली कूच करने देने से? नहीं हमें पता है ना कि वो दिल्ली नहीं जा रहे, दिल्ली कूच कर रहे हैं। आपको क्या बताया गया वो कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या पता है? हमें ये पता है कि जो रणनीति तो क्षेत्र में बनती, स्टूडियो में नहीं बनती ना रणनीति। आप तो उनकी उनके बारे में कुछ आपको क्या लगता है हरियाणा न्यूज है कि स्टूडियो तक सीमित है सत्यव्रत शास्त्री? बिल्कुल, आपको लगता है हरियाणा न्यूज है कि स्टूडियो नहीं? सर राजा पटेल जो जानकारी आपके पास रहती है उसके पूरी पूरी प्रॉपर प्रॉपर टीम है जो ये देख रही है कि जब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं आप आइए, आप जबरदस्ती नहीं जाने दे रहे हैं, आपने अन्नदाताओं पर लाठी चार्ज किया, कमाल बात कर रहे हैं आप, कहते हैं वो किसान नहीं, आप कहते हैं हरियाणा न्यूज स्टूडियो में ही घुसा हुआ है, क्या बात कर रहे शास्त्री जी? आप तो इतने मंझे हुए वक्ता है, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। राजा पटेल सत्यव्रत शास्त्री बीजेपी प्रवक्ता, आर यू शास्त्री जी, इससे ज्यादा नहीं सर, आप किसानों को झुटला सकते हैं, आप हरियाणा न्यूज को कैसे झुटला देंगे? राजा पटेल सत्यव्रत शास्त्री बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं कि स्टूडियो में ये चीजें नहीं डिसाइड होती, आप क्षेत्र में नहीं मौजूद हैं। जरा इन्हें आंखों देखा हाल बताइए कि अन्नदाताओं पर ये किस तरह का प्रकोप बरसा रहे हैं। राजा पटेल राजा पटेल आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, आपको देखा हाल बताए, इस वक्त वहां पर क्या देख रहे हैं आप, अन्नदाताओं पर कैसा एक्शन? स्थिति अभी भी तनाव है, हालांकि पुलिस के द्वारा किसानों को समझाने की कोशिश जरूर की जा रही है, पर जिस तरीके से पुलिस के द्वारा किसानों को लाठी चार्ज की गई थी उसको लेकर किसान काफी ज्यादा रोष है, क्योंकि हाँ। किसान सुबह से ही ये कह रहा है, लगातार पूरे प्रदेश की बात करें चाहे पंजाब की बात करें देश की बात करें, किसान एक ही बात कह रहा है कि हमारी बात ये रखने दीजिए, आखिरकार हमारे उस जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है उसके बाद जो है किसान कहीं ना कहीं यहाँ पर उग्र हुए थे, क्योंकि सुबह से ही हम ग्राउंड जीरो पर है, लगातार किसान शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, जो किसानों के साथ किसान के बड़े भी यही कह रहे हैं कि शांति बनाए रखिए हल निकलेगा, पर जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया उसके बाद ही कहीं ना कहीं किसानों ने उग्र प्रदर्शन अपनाया, किसानों ने बैरिकेड तोड़कर आगे आने की कोशिश। शास्त्री सुना आपने, सिंधु बॉर्डर से लाइव आप देख रहे थे, सुन रहे थे हमारे संवाददाता राजा पटेल को, आपको दिल्ली से लगते हरियाणा के और सीमाओं से अगर चाहिए तो मैं अभी जोड़ती हूँ सर, आपसे ज्यादा जानकारी उनके साथ क्या हो रहा है, आप जोड़ाएंगे वहाँ हमारे कार्यकर्ता नेता उपस्थित हैं, नहीं और ना सर किसान के हित में सर, ये तो फिर और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी मौजूदगी में, ये तो और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी मौजूदगी में लाठीचार्ज हो रहा है किसानों पर। आप बोल रहे हैं आपने आपने भाषण देना है कि मेरी बात सुननी है? सवाल कड़वे लग रहे हैं क्या सर? हाँ तो आप सवाल भाषण भाषण नेताओं का काम है सर, भाषण नेताओं का काम है जो आप दे रहे हैं, आप अपने कमरे से बाहर तो निकले नहीं,
आप अपने कमरे से बाहर तो निकले नहीं और आप कह रहे हैं कि आपके नेता वहां मौजूद हैं, तो ये शर्मनाक है कि बीजेपी नेता के सामने अन्नदाताओं पर लाठीचार्ज हो रहा है। सत्रह शास्त्री जवाब दे। आप जवाब सुनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बोलिए, लेकिन जवाब बाईपास से नहीं निकलने दूंगी, सटीक जवाब। निकलने नहीं, मैं आपको रोक रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ। मैं पहले अपने बयान पर स्टैंड हूँ कि ये लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता किसान के वेश में वहाँ अराजक तत्वों को लेकर कानून और व्यवस्था के दूसरी बात आप सुनिए, आप सुनने का मादा है, आपने सुनने का मादा है, आपके प्रश्नों का एक एक उत्तर दूंगा। आप में मैं कह रहा हूं कि आज से पहले किसान के लिए जो भाजपा ने कर दिया कोई सरकार नहीं कर पाई। बिल्कुल किसान के लिए किसान को आज सिंधु बॉर्डर पे लाठीचार्ज किया, बिल्कुल नहीं कर पाई। भारत ने भी अभियान दिया, हरियाणा की सरकार ने एक एक दाना किसान का खरीदा। क्या पड़ोसियों के लिए आपने कभी कहा कि दिल्ली की सरकार ने कितना एमएसपी पर धान खरीदा, या पंजाब सरकार ने कितना खरीदा, या राजस्थान ने कितना खरीदा? एक एक दाना दाना किसान का किसान के लिए चोरियों में बैठ कर आप किसान को भड़काने का काम करती है। आप चोरियों में बैठ कर भड़काने का काम करती है। हमने किसान के लिए ठोस काम किया, हमने एमएसपी दिया, हमने कुछ नहीं होगा। कुर्सी पर आप बैठे हैं तो जवाब आपको देना होगा। इस एक बड़ी खबर इस बीच में पहुंचा रहे हैं, किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत मिली। हालांकि अरविंद केजरीवाल पहले से कह रहे थे कि आप दिल्ली आइए, लेकिन हरियाणा सरकार ने जबरन रोका था। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में मिली किसानों को एंट्री, दिल्ली में किसानों को एंट्री मिली। लाठियां बरसाने से पहले दे देते तो क्या बिगड़ जाता। बुराड़ी मैदान में कर सकेंगे आंदोलन। दिल्ली में किसानों को एंट्री मिली, बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर खाली मैदान में एकत्रित होने की इजाजत। किसान आंदोलन से जुड़ी यह बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में मिली किसानों की एंट्री। किसान जो दिल्ली कूच करने के लिए इतना हैरान हुए, इतना परेशान हुए, बेहोश होकर गिरे, लाठियां खाई उन्होंने अपने छाती पे, अब उन्हें बुराड़ी मैदान में आंदोलन करने की परमिशन मिली है। बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर खाली मैदान में एकत्रित होने की इजाजत। सत्यव्रत शास्त्री, अब तो दिल्ली में एंट्री मिल गई, अब मानेंगे कि ये किसान है? आधे घंटे में दिल्ली के अधिकारी बॉर्डर पहुंचकर बैरिकेड खुलवा देंगे। आप अपनी भाषा पर भी नियंत्रण रखो, आप मर्यादा को भी बोल रही हैं। मुझे केजरीवाल की प्रवक्ता बनकर बात कर रही हैं। मुझे आप केजरीवाल की प्रवक्ता बनकर काम कर रही हैं। केजरीवाल के पास किसान के लिए क्या है जरा बताइए। शास्त्री जी आप बताइए, केजरीवाल के पास किसान के लिए क्या है? गोलमोल घुमाएंगे, मैं समझ रही हूं। घुमाएंगे नहीं, आप बेवजह मत तमतमाइए। आप पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रही हैं। बेवजह मत तमतमाइए। अगर आपका जवाब हो गए हैं, अगर आपकी पोल खुल गई है तो आप वो बताइए। किसने दिया? मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रश्न का उत्तर देना। आपको केजरीवाल की प्रवक्ता है तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे। कांग्रेस की प्रवक्ता है तो जवाब दे। आप मुझे हरियाणा की सरकार के बराबर कांग्रेस सरकार ने जहाँ भी पंजाब में राजस्थान में एक भी दाना खरीदा क्या? पार्टी लाइन पर बात कीजिए, क्या ये बीजेपी का तरीका है बात करने का? आप बीजेपी प्रवक्ता है, क्या ये बीजेपी का तरीका है? ये बीजेपी की पार्टी लाइन है सत्यव्रत शास्त्री। केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने जो किसानों के लिए क्या, किस सरकार ने क्या बताइए आप जरा। अब भाषण पे तो अब आप आ गए ना, बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर खाली मैदान में एकत्रित होने की इजाजत। जब आप चुप नहीं होंगे, मैं कह रहा हूँ ना, बताइए ना, पंजाब की सरकार ने कितना एमएसपी पर अनाज खरीदा है? सत्रह शास्त्री आप मुझे बताइए, मैं ब्रेकिंग न्यूज की बात कर रही हूँ। आप इतिहास में जाएंगे फिर मैं पीपली कांड उठा लूंगी, और पीपली कांड उठा लूंगी, फिर आप तमतम आ जाएंगे। दिल्ली में किसानों को एंट्री की बातें करके, अरे शास्त्री जी, अरे शास्त्री जी, अरे शास्त्री जी, कमाल कर दे शास्त्री जी, मुझे आप जिम्मेदारी सिखाएंगे। शास्त्री जी आप मुझे जिम्मेदारी सिखाएंगे, अन्नदाताओं पर लाठी बरसाने वाले मुझे जिम्मेदारी सिखाएंगे। आप क्यों भाग रहे मेरे सवाल से? आप क्यों भाग रहे शास्त्री जी मेरे सवाल से? क्यों भाग रहे मेरे सवाल से? आप मेरे पूछो ना। आप क्यों भाग रहे? आप मैं पूछ रही हूँ तो आप जवाब दीजिए ना। आप पर्सनल इंटरेस्ट मत लीजिए सर, कोई जरूरत नहीं आपको मुझे पढ़ने की। आप किसानों को पढ़ लीजिए सर, बहुत है।
मैं दिल्ली में किसानों को एंट्री मिल गई, सवाल सुने आप, सत्रह शास्त्री सवाल सुने आप, दिल्ली के बुराड़ी मैदान में आंदोलन कर सकेंगे अब किसान, उनको परमिशन मिल गई है। अब आप मानते हैं कि ये किसान हैं और वहां पर हम उम्मीद करें केंद्र सरकार से हरियाणा सरकार से कि वहां पर उनकी बात सुनी जाएगी? नहीं, बुराड़ी में केजरीवाल ने बुलाया कि केंद्र सरकार ने बुलाया? दिल्ली सरकार ने बुलाया। हाँ, तो दिल्ली सरकार बात करेगी ना। हाँ, उसके हाथ में है ना कानून बदलना। हाँ, उसके हाथ में है ना एमएसपी बढ़ाना। हाँ, है ना, है ना, तो वो बात करेंगे ना केजरीवाल जी अभी। अच्छा, कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, तो आप ये कटाक्ष कर रहे हैं कि उनके हाथ में नहीं है तो बुला ले, कोई फायदा नहीं है? हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपसे, केंद्र सरकार ने बुलाया सर, अब सुने आप, केंद्र सरकार ने बुलाया। आप थोड़ी देर में और कुछ भी बोलेंगे? केंद्र सरकार ने बुलाया, सत्र शास्त्री जवाब दीजिए आप, ऑथेंटिक बात करिए मैडम, सत्र शास्त्री ऑथेंटिक बात है, आप केंद्र ने बुलाया, एक मिनट शास्त्री जी शांत हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, बात सुने आप, तीन तारीख को आप सुन रहे हैं मेरी बात, मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं आप, सुनो इस बात को, 3 तारीख को पहले ही केजरीवाल ने, कोमर साहब ने, सत्र शास्त्री 3 तारीख को, शास्त्री जी क्या हो गया है आपको? किसानों ने लाठी खाई है, आप क्यों गुस्सा दिखा रहे इतना? अरे किसानों पर लाठी बरसाई है आपने, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? केंद्र सरकार ने बुलाया है, जैसे जैसे ब्रेकिंग आ रही है मैं आपको अपडेट कर रही हूँ, आप खुद तो अपडेट है नहीं, आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने बुलाया, आप तो मान रहे हैं कि केंद्र सरकार को दिख गया कि वो किसान है जो आपको नहीं दिखा, पर्सनल अटैक करे जा रहे हैं, जवाब है नहीं आपके पास देने के लिए कुछ? मेरे पास है, बोलिए ना, आप पूरी जानकारी लेकर डिबेट करते हैं, आप पूरी जानकारी लेकर डिबेट करें, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग होती है सत्यराज शास्त्री, भूमिका निभा सकता, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग होती है, लेकिन आप 60 साल का हिसाब मांगने वाले इतिहास में झांकने ले जाते हैं। देखिए मैडम, आपके चिल्लाने से नहीं, एक जिम्मेवार चैनल के ऊपर बैठे हैं, आपके भी पर्सनल अटैक करने से मेरा बिल्कुल जिम्मेवार चैनल है और आपको भी मैं बहुत जिम्मेवार मानती हूँ सर, तभी आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं कह रहा हूँ दोनों पक्षों की बात को सुनकर उसका समीक्षा करने का आपका काम है, आप एक तरफा बात नहीं, करके सर, जस का तस शुद्ध खबर परोसना मेरा काम है, समीक्षा आप कीजिए कि आपने क्या किया है, मेरा काम समीक्षा नहीं है, मेरा काम समीक्षा नहीं है सत्र शास्त्री, मुझे ट्यूशन देना बंद करें आप, आप मुझे ये बताइए कि केंद्र सरकार को जो किसान दिख गए जिन्हें बुराड़ी मैदान में बुलाया, वो सत्र शास्त्री को क्यों नहीं दिखे? हमने इसलिए नहीं दिखे। हाँ, और इसलिए दिखे, हाँ, ने पहले ही कहा है कि कांग्रेस के लोग जब वहाँ बैठेंगे तो पता चलेगा किसान कौन है। अच्छा, आज जो सड़कों पर है, आज जो अराजकता कर रहा है, हाँ, आज जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहा है, कोविड की महामारी के बीच जब एक एक व्यक्ति की जान पर बीत रही है, आप उसको खड़ा कर रहे हैं, ये कांग्रेस और विपक्षी लोगों की हताशा है, किसान की समस्याओं को जानकर ही ये कानून बने, किसान यूनियन को लेकर किसानों को माया है, बरगलाया है और वही लोग उनके साथ आगे बढ़ रही है, कह रहे हैं आप सत्र शास्त्री, ये कह रहे हैं उसमें किसान होंगे? हाँ, वो जो टेबल पर बात करेंगे वो किसान होंगे। अच्छा, उसमें पता चलेगा किसान कितना संतुष्ट है। अच्छा, उसको इन कानूनों से कितना बेनिफिट होने वाला है, और उन सब लोगों से जानकारी लेकर कानून बने, कोई कानून थोपे नहीं जाते, और कोई भी कानून देश में बनता है वो स्थायित्व के लिए नहीं बनता, आवश्यकता के अनुसार कितने कानूनों में संशोधन हुआ है, हुआ है कि नहीं आज से पहले, और जब जब आवश्यकता होती है तो नए कानून भी बनते हैं, पुराने कानून में जवाब ले लेती हूँ शास्त्री जी, बहुत कांग्रेस कांग्रेस कहा आपने, मैं कांग्रेस से जवाब ले लेती हूँ, सुमित गौर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, सुनिएगा मैं आऊंगी आपके पास जवाब के लिए वापस, सुमित गौर साहब कांग्रेस के कार्यकर्ता है ये किसान नहीं, और अगर होंगे तो इनमें से कुछ किसान होंगे, किसान तो मेज पर बैठ के बात करते हैं, ऐसे हथकंडे नहीं अपनाते, सत्र शास्त्री ने ये कहा अभी अभी, कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुमित साहब है फोन पे, सुमित गौर सुन पा रहे आप मुझे? चले संपर्क टूट गया, सत्र शास्त्री मैं हालांकि प्रतिक्रिया लेना चाह रही थी लेकिन फिर मैं आप ही के पास लौट रही हूँ, एक सवाल के साथ लौट रही हूँ सत्र शास्त्री, आप मुझे ये बताइए कि जब कांग्रेस इतने ही समय में कृषि कानूनों को आपके हिसाब से बरगलाने में कामयाब हो गई, तो आप जो इस कृषि इन कृषि कानूनों को किसानों के हित में लाए थे, आप किसानों को समझाने में कामयाब क्यों नहीं हुए? अभी आप ब्रेक लेंगे बताइए सर। देखिए, बरगलाना और जितने लोग प्रतिशत में आज
किसी भी हेजिटेशन में है, रोड पर है किसान के नाम से, उनकी संख्या, और आपने पीछे हरियाणा में कितने स्थानों के ऊपर किसानों ने डीसी के माध्यम से, उपायुक्त के माध्यम से कृषि कानूनों के समर्थन में ज्ञापन दिए कि ये किसानों के हित में है। यदि वो संख्या का अनुपात आप लगाएंगे तो किसान इस कानून के पक्ष में ये संख्या ज्यादा है, किसान के पक्ष में नहीं है, ये केवल राजनीति है। और पंजाब और पंजाब से लगते इलाकों में जहां अकाली दल और कांग्रेस के मिले जुले वो उससे ज्यादा बढ़कर विरोध करना चाह रहा है, वो उससे ज्यादा विरोध कर रहा है, ये केवल पंजाब के चुनाव के लिए वहां की स्थानीय राजनीति है। हरियाणा का आप दक्षिण हरियाणा में एक भी किसान असंतुष्ट मिल जाए आपकी जूती और मेरा सिर होगा, उस किसान का जूता होगा मेरा सिर होगा, क्योंकि दक्षिण हरियाणा के एक भी क्षेत्र से किसान ये कह दे कि सरकार के बनाए कानूनों और सरकार के द्वारा किसान के हित में के कामों में एक भी कमी है। इस केंद्र की सरकार ने हिंदुस्तान में पहली बार मूल्य आधारित एमएसपी दिया, किसान की जमीन को एक एक एकड़ क्यों इकाई मानकर बीमा दिया है, उसकी पशु की सुरक्षा के लिए उसका बीमा दिया है, किसान के खेत में काम करने पर उसकी सुरक्षा की गारंटी दी है, उसके एक एक दाना एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी है। जो प्रोग्रेसिव किसान है, जो स्पेशल काम करते हैं, उनको देश भर के मार्केट डेवलप करने के लिए काम किया है, उन्होंने देश विदेश के अंदर सीधे किसानों के लिए अपनी उपज को ले जाने के लिए संसाधन मुहैया करवाया है। आज पिछले 5 साल के भी किसान प्रोग्रेसिव किसानों की संख्या और किसान समूह की संख्या देखोगे तो हजारों में बढ़ रही है, आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ेगी, और इस देश का किसान व्यापारी कम करेगा जैसा व्यापारी करता है। इस व्यापारीकरण के लिए किसान को कि वो अपनी फसल का अपना दाम तय कर सके, अपने हिसाब से बेच सके कहीं भी, आप मार्केट कमेटी मार्केट एक्ट का जो कमेटी एक्ट है उसमें देखेंगे, किसान को फसल पैदा करने की तो छूट है लेकिन बेचने की छूट नहीं थी। बेच वो वही सकता है जहाँ मंडी होगी और मंडी में आदत होगा। आपने अभी जितनी चीजें गिनाई मुझे बिल्कुल समझ में आ गई, लेकिन इतने सरल शब्दों में गिनाने और बताने और बार बार बताने के बाद भी आप किसानों को भरोसे में नहीं ले पाए, क्या आपको भीतर खाने कहीं से भी सरकार को ये महसूस होता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं लौट रही हूँ, जरा एक बार लाइव तस्वीरों पर नजर मार लूं। राजा पाटिल लगातार सिंधु बॉर्डर से अपडेट दे रहे हैं, जहां पर इस वक्त थोड़ी देर पहले जब हम राजा पटेल के साथ जुड़े थे तो बहुत बहुत ज्यादा गर्म था। राजा फिलहाल क्या अपडेट है? राजा पटेल आवाज मिल रही है मेरी? अपडेट बताएं, अपडेट इन तस्वीरों को अगर आप ब्रीफ कर सके मुझे। चले, राजा पाटिल के पास आवाज नहीं पहुंच रही, इतना शोर हो रहा है वहां पर कि वो मुझे सुन नहीं पा रहे, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव तस्वीरें वो हम तक जरूर पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रशासन की भरसक की कोशिश वहां नजर आ रही है कि किसानों को शांत किया जा सके। और पहले के मुकाबले फिलहाल जो तस्वीरें वहां दिख रही हैं, नारेबाजी जरूर कर रहे हैं किसान, उनके हाथों में झंडियां भी हैं और वो आगे बढ़ने के लिए उतने ही उत्साहित, उतने ही उत्सुक नजर आ रहे हैं जितने कि वो जब वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ उस दरमियान भी दिखे थे। राजा पटेल एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। राजा, आवाज मिल रही है तो अपडेट दे। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो माहौल था तनावपूर्ण वो कहीं ना कहीं शांत होता हुआ नजर आ रहा है साफ तौर पर। जी बोलिए बोलिए। हेलो, बोलिए, आवाज मिल रही है, बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए जो तनाव का माहौल था यहाँ पर साफ तौर पर वो अब शांत होता नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और किसान अब कहीं ना कहीं मानते हुए नजर आ रहे हैं। जो किसान के जो बड़े नेता है उन्होंने भी किसानों को समझाने की कोशिश की है। अब जो पूरा जो तनाव का माहौल था वो कहीं ना कहीं शांत हो गया है, किसान जहाँ पर थे वहीं पर डटे हुए हैं। किसान साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हम यहीं पर डटे रहेंगे, हम दिल्ली जरूर जाएंगे। साफ तौर पर पुलिस के अधिकारी भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि दिल्ली में एंट्री की इजाजत मिल गई
गए, पर जो पुलिस के बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि उनके पास अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है, इसी वजह से किसानों को लगातार वो समझा रहे हैं और किसान भी कहीं ना कहीं मान गए। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, विजुअल देख सकते हैं कि साफ तौर पर किसान जहां पर खड़े हैं, जहां पर बैठे हैं, वहीं पर है। और अब पूरी तरीके से जो तनाव का माहौल पिछले दो घंटे से बना हुआ था, लगातार लाठीचार्ज की बात करें, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनल का इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था, अब वो कहीं ना कहीं यहाँ पर शांति का नजारा देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर किसान नेता भी साफ तौर पर अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंसा का कोई यहाँ पर समाधान नहीं है, हिंसा करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो साफ तौर पर यहाँ पर अब जो माहौल तनाव का बना हुआ था, वो यहाँ पर शांति की अपील करते हुए शांत नजर आ रहा है। जी, अब से कुछ ही मिनटों पहले जो खबर आई थी कि दिल्ली में इन्हें अपना आंदोलन करने की परमिशन मिल गई है, बुराड़ी मैदान में आंदोलन कर सकेंगे, और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर दिल्ली पुलिस पहुंचेगी बैरिकेड्स हटाने के लिए। ये कार्रवाई कब तक अंजाम तक पहुंचेगी और कितने समय में किसानों का हम दिल्ली कूच देख सकेंगे, राजा पटेल? जी बिल्कुल, देखिए जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, साफ तौर पर उनके पास जो उनसे हमारी बात हुई, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी तो जरूर हम बैरिकेड को खोल देंगे। वो लगातार अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क में है और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके के जो हालात अब से कुछ मिनट पहले बने थे, वो साफ तौर पर यहाँ पर शांत होता हुआ नजर आ रहा है, और किसान भी अब कहीं ना कहीं शांत है, क्योंकि जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि दिल्ली में उनको इजाजत दे दी गई है, वहां पर वो आंदोलन कर सकते हैं, तो ऐसे में किसान भी अब कहीं ना कहीं शांत नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर अब पूरी तरीके से शांति का माहौल है। जी, क्या कुछ है किसानों से बातचीत पॉसिबल है राजा पटेल, अगर हम इस वक्त बात करना चाहें उनसे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बैरिकेड कर रखे और साफ तौर पर जिस तरीके से जो पुलिस की जवान की टुकड़ी है, वो उन्होंने कहीं ना कहीं किसान को घेर बखेरा है, किसानों के पास जाने की परमिशन अभी तक हमें नहीं दे पा रहे, पर हम कोशिश करेंगे कि हम किसानों से बात करें और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, पर अभी फिलहाल ये संभव नहीं पाएगा कि काफी दूर हम किसानों से कहीं ना कहीं खड़े हैं। जी बिल्कुल, इनका हाथों में जो झंडी है, थोड़ा उसके बारे में बताएं और ये क्या नारेबाजी कर रहे हैं, गूंज बहुत तेज है और मैं समझ नहीं पा रही, अगर आप हमें बताएं ये केंद्र सरकार को लेकर नारेबाजी है या किसान एकता को लेकर नारेबाजी है, थोड़ा और विस्तार में इन तस्वीरों को समझाएं। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर केंद्र सरकार की बात करें, प्रदेश सरकार की बात करें, तो उनके खिलाफ ये नारेबाजी है। जिस तरीके से जो कानून सरकार ने लागू किया है और जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से ये किसान संघर्ष कर रहे थे, पंजाब में, हरियाणा की बात करें, तमाम अलग अलग राज्यों में, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी है। साफ तौर पर किसान यही कह रहे हैं कि हम अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद आखिरकार सरकार बातचीत करने को तैयार क्यों नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और साफ तौर पर जिस तरीके से हम बात करें, अभी कुछ देर पहले जिस तरीके से लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले यहाँ पर किसानों के ऊपर छोड़े गए, साफ तौर पर उसको लेकर किसान काफी ज्यादा नाराज हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ के खिलाफ भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही जब वो शांति बनाए रखने की अपील उनके बड़े नेता कर रहे हैं, शांति से रह भी रहे हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़कर तितर बितर करने की कोशिश की गई, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और झंडा है किसान एकता के जो बैनर है, साफ तौर पर अलग अलग जो संगठन है, जो अलग अलग जिलों से आए हैं, उनके ये बैनर है। साफ तौर पर तमाम जो यूनियन है किसान की, उनके ये बैनर है। साफ तौर पर ये यही अपील कर रहे हैं, हम शांति से ही अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, शांति से ही अपनी बात को रोकना चाहते हैं, तो इसी को लेकर ये यहाँ पर एकत्रित हुए और इसी को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, आखिर में इतने हंगामे के बाद, इतने बवाल के बाद बुराड़ी मैदान में आंदोलन के लिए इन किसानों को परमिशन मिली, जब परमिशन देनी थी तो इतना बवाल क्यों, इतना हंगामा क्यों, क्यों अन्नदाता को इतना परेशान किया गया? जी वाकई में बहुत ही गंभीर विषय है, और ऐसे में सुबह से ही किसान यहाँ पर डटे हुए थे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। साफ तौर पर वो यही कह रहे थे कि हमें दिल्ली में जाने दिया जाए, उसके बाद जिस तरीके से सुबह से यहाँ पर माहौल लगातार तनावपूर्ण की बात करें, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है अन्नदाताओं के ऊपर, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार जो किसान है वो इसी के खिलाफ और इसी को लेकर वो कहीं ना कहीं उभर हुए थे कि आखिरकार हम जब शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखने जा रहे हैं, उसके बावजूद इस तरीके का माहौल, आखिरकार पुलिस की टीम क्यों हमारे साथ व्यवहार कर रही, तो में साफ तौर पर अब आखिरकार देरी सही दुरुस्त सही फैसला जरूर आ गया है सरकार का, पर साफ तौर पर किसान भी इसमें खुश नजर आ रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सरकार तक रखने देना चाहते हैं और वो रखेंगे भी, चाहे कुछ भी हो जाए हम वो वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने यही कहा है कि हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा कर ही वापस जाएंगे। जी मैं लौट रही हूँ आपके साथ, आपके पास बने रहिए जरा इस खबर पर, और भी विस्तृत जानकारी आपसे लेना बाकी है। बहुत बेहतर काम कर रहे हैं आप, पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज इस बीच बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने किसानों को आगे जाने की इजाजत दी, दिल्ली पुलिस ने
किसानों से कहा कि साथ है आपके, आप आगे बढ़े। करनाल बाईपास पर निरंकारी भवन तक जाने की परमिशन मिली है, इजाजत मिली है। केवल ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जाने की इजाजत दी गई है किसानों को। दिल्ली पैदल जाने के लिए अड़े किसान, हालांकि उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ही आगे जाने की इजाजत मिली है। किसानों के साथ हुई बातचीत में फैसला हुआ। टीकरी बॉर्डर पर किसानों की भारी भीड़ इस वक्त मौजूद है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को आगे जाने की इजाजत दी। करनाल बाईपास पर निरंकारी भवन तक जाने की परमिशन। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली पुलिस ने किसानों से कहा कि आप केवल ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जा सकते हैं, आपको केवल इसी की इजाजत है, लेकिन दिल्ली पैदल जाने के लिए अड़े हैं किसान कि हम पैदल जाएंगे। किसानों के साथ हुई बातचीत में फैसला हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली कूच कर सकते हैं किसान। टीकरी बॉर्डर की अगर हम बात करें, किसानों की भारी भीड़ वहां पर एकत्रित है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को आगे जाने की इजाजत दी। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल बाईपास पर निरंकारी भवन तक जाने की इजाजत। दिल्ली पैदल जाने के लिए अड़े हुए हैं किसान। किसानों के साथ बातचीत में फैसला हुआ कि दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ही जाने की परमिशन है। टीकरी बॉर्डर पर किसानों की भारी भीड़। एक बार फिर से हम इन तस्वीरों के साथ, माहौल आपको शांत नजर आ रहा होगा, नारेबाजी जरूर हो रही है, लेकिन अब हंगामा आप नहीं कह सकते, बवाल नहीं कट रहा यहाँ पर, हंगामा शांत हो गया है। आंसू गैस के गोले जो फायर हो रहे थे वो गूंज खत्म हो गई, वो आंसू गैस के गोले अब यहाँ पर शांत है। वाटर कैनन का प्रयोग नहीं हो रहा, कोई लाठीचार्ज नहीं, किसी तरह का कोई टकराव नहीं। किसानों को बता दिया गया है कि आपको परमिशन मिल गई है, आप दिल्ली के बुराड़ी मैदान में इकट्ठा होकर आंदोलन कर सकते हैं और अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। अंत में वहां किसान आप पहुंचे, जो उनकी मंशा थी कि वो दिल्ली कूच करेंगे और वहां से केंद्र सरकार से सीधे संपर्क करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि तीन कृषि कानून जो सरकार समझती है कि उनके हित में है, वो किसानों का के मुताबिक उनके लिए फायदेमंद नहीं, उस पर केंद्र काम करे। राजा पटेल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजा, क्या कोई पहुंचा वहां पर बैरिगेट्स हटाने के लिए? किसान अब से कितनी देर में दिल्ली कूच करेंगे? पुलिस ने परमिशन दे दी है और जिस तरीके से इजाजत दी है, किसानों से लगातार अभी भी बातचीत की जा रही है, लगातार जो कि किसान पैदल जाने को कह रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से किसानों से लगातार पुलिस के बड़े अधिकारी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर जिस परमिशन तो जरूर दे दी है, पर जिस तरीके से जो किसान ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ पैदल ही जाना है, जो कि परमिशन दी गई है वो सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली पर ही जाने की दी गई है और निरंकारी भवन तक ही जाकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे में किसान अड़े हैं कि हम पैदल जाएंगे, शांतिपूर्वक तरीके से जाएंगे, कोई हिंसा नहीं करेंगे, पर किसान कहीं ना कहीं मारने को तैयार नहीं है कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली में नहीं जाएंगे। इसको लेकर अभी भी बातचीत जारी है, अभी भी बैरिकेड नहीं हटाए गए हैं। जी, आपने पुलिसकर्मियों से पूछा कि अब इसमें कहां पेच फंस रहा है कि वो पैदल जाएं कि ट्रैक्टर ट्रॉली से जाएं, जब आंदोलन की परमिशन मिल गई है और शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे हैं तो पैदल क्यों नहीं जा सकते? जी बिल्कुल, देखिए जो उच्च अधिकारी हैं वो अभी बात कर रहे हैं किसान से, हमने उनसे बात करने की कोशिश जरूर की है, उन्होंने टाइम मांगा है हमसे कि हम एक बार किसानों से बात कर लें क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में किसान है। ऐसे में पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो यही कह रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली में जाएं या वो खुद व्यवस्था करेगी, पुलिस की टीम, पुलिस विभाग व्यवस्था करेगी, बसों में उनको वहां पर मैदान तक छोड़ेगी। तो ऐसे में जो किसान है वो साफ तौर पर पुलिस की जो बातें हैं उन पर विश्वास नहीं कर रही, वो यही कह रहे हैं कि इनकी बसों में हम जाएंगे, पता नहीं कहां ले जाएंगे कहां नहीं, इसको लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। अभी भी आप देख सकते है कि विजुअल्स में किस तरीके से अभी भी बातचीत लगातार जारी है किसानों से, पर अभी भी बैरिकेडिंग नहीं हटा है, किसान यहीं पर डटे हुए हैं और साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हम सिर्फ जाएंगे तो पैदल ही जाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन बातचीत चल रही है, हंगामा नहीं हो रहा। ये जो भी बातचीत, अगर बहस का भी मुद्दा है कि हम पैदल जाएंगे नहीं जाएंगे ट्रैक्टर ट्रॉली से, तो अब पहले जितना बवाल नहीं है राजा, वो तस्वीरें देखकर, इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देखकर मुझे समझ में आ रहा है, बाकी बेहतर आप बता पाएंगे। अब तो कोई टकराव नहीं है?
जी बिल्कुल, देखिए आप कोई टकराव का यहाँ पर माहौल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से बात करें किसानों की बात करें तो लगातार आपने जो किसान बड़े नेता जो उनके साथ आए हैं वो लगातार किसानों को समझाने की कर रहे हैं, और किसानों की तरफ से हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं ग्राउंड पर, किसानों की तरफ से कभी भी कोई हिंसा की ऐसी बात सामने नहीं आई, नहीं हमने देखा, क्योंकि जिस तरीके से बात करें सुबह से ही शांति का माहौल यहाँ पर बना था, अचानक से पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लाठियां यहाँ पर भांजी जाती है, साफ तौर पर तितर बितर करने की कोशिश की जाती है, तो साफ तौर पर जब उसको लेकर किसान उग्र हुए थे और साफ तौर पर वो गुस्सा जाहिर अपना जरूर कर रहे थे कि आखिरकार हम जब सुबह से यहाँ पर शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बावजूद हमें यहाँ पर बैठने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी की बौछारें की जा रही है, तो आखिरकार हमारा कसूर क्या है? साफ तौर पर वो यही मांग कर रहे हैं कि हम अपनी सरकार तक मांगे पहुंचाने जा रहे हैं और क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं उग्र होता हुआ नजर आया था, पर पूरा जो अब माहौल है पूरी तरीके से शांत है, लगातार बातचीत दोनों पक्षों की तरफ से की जा रही है। दोनों पक्षों की तरफ से बातचीत की जा रही है, क्या सभी किसानों से बात हो रही है? कुछ किसान नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारी बात कर रहे हैं, और इस बातचीत के तुरंत बाद ही हम दिल्ली कूच की तस्वीरें देखेंगे क्या? हेलो राजा पटेल, इस बातचीत के तुरंत बाद ही हम दिल्ली कूच की तस्वीरें देखेंगे क्या? जी बिल्कुल, वाकई में बातचीत का जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं निकल के आएगा, क्योंकि किसान सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि वो पैदल जाना चाहते हैं, जबकि दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अपने साधन से या फिर हम अपना साधन प्रोवाइड कराते हैं इससे जाइए, क्योंकि दिल्ली में साफ तौर पर जिस तरीके से महामारी का हवाला दे रहे हैं, मामले बहुत ज्यादा है, इसको लेकर वो चाह रहे हैं। रोक रही हूं आपको, इस बीच एक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देखिए, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर का ट्वीट किया है इन्होंने, केंद्र ने किसानों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी, हरियाणा सरकार किसानों को रोकने के लिए क्रूर बल अपना रही है, यह पंजाब के मुख्यमंत्री का ट्वीट है, उन्होंने लिखा कि ऐसे कठोर उपायों की क्या आवश्यकता है। कैप्टन अमरिंदर ने आगे लिखा है कि इस बर्बरता को फिलहाल रोकने की जरूरत है। पंजाब के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर, जिनका ट्वीट आपको दिखा भी रहे हैं, पढ़ के सुना भी रहे हैं, बड़ी खबर। इन्होंने ट्वीट किया है कि केंद्र ने किसानों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी, हरियाणा सरकार किसानों को रोकने के लिए क्रूर बल अपना रही है, क्रूर बल का जिक्र किया है यहाँ पर पंजाब के सीएम ने। लिखते हैं कि ऐसे कठोर उपायों की क्या आवश्यकता है, उन्होंने आगे लिखा कि इस बर्बरता को फिलहाल रोकने की जरूरत है। बड़ी खबर पहुंचा रहे कैप्टन अमरिंदर का ट्वीट, हालांकि बीते हुए कल भी हमने ट्विटर वॉर देखा था पंजाब के सीएम और हरियाणा के सीएम के बीच में, आज एक बार फिर से ये ट्वीट शुरू हो गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट किया है कि हरियाणा सरकार किसानों को रोकने के लिए क्रूर बल अपना रही है, ऐसे कठोर उपायों की क्या आवश्यकता है, इस बर्बरता को फिलहाल रोकने की जरूरत है। कैप्टन अमरिंदर का ये ट्वीट है, ट्वीट दिखाने के साथ साथ पढ़ के सुना रहे, बड़ी खबर। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर का ट्वीट, उन्होंने लिखा कि केंद्र ने किसानों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी, हरियाणा सरकार किसानों को रोकने के लिए क्रूर बल अपना रही है। कैप्टन अमरिंदर ने लिखा कि ऐसे कठोर उपायों की क्या आवश्यकता है, इस बर्बरता को फिलहाल रोकने की जरूरत है, यह बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। ट्वीट किया है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने, उनके ट्वीट को दिखा भी रहे हैं, आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्र ने किसानों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी, कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट किया है कि हरियाणा सरकार किसानों को रोकने के लिए क्रूर बल अपना रही है, ऐसे कठोर उपायों की क्या जरूरत है। एक बार फिर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर किसान रात तक रहे हैं कि अब परमिशन मिल गई है तो अब आगे बढ़ने दिया जाएगा, दिल्ली कूच के लिए इनका रास्ता जो है वो क्लियर हो गया है, कोई नहीं रोकेगा, कोई बैरिगेट्स नहीं, कोई आंसू गैस के गोले नहीं होंगे कहीं पर भी, अब इन्हें वाटर कैनन का प्रकोप नहीं झेलना पड़ेगा, ठिठुरना नहीं होगा, ये अपने उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी सरकार से बात करेंगे। सरकार ने इनकी सुनी है और इनके लिए रास्ते खोल दिए हैं दिल्ली के, कहा है कि बुराड़ी मैदान में आ जाइए, यहाँ पर आकर आप अपना आंदोलन कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। बात बस यहाँ आकर फंसी है, पेच बस इतनी सी फंसी है कि ये पैदल जाना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि अपने साधन से जाइए, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जाइए, नहीं तो हम आपके लिए साधन की व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन आप पैदल मत जाइए। राजा पटेल हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हमारे साथ। राजा, आप इसी पर बात कर रहे थे, बता रहे थे हमें
कि पैदल नहीं जाने को लेकर दिल्ली पुलिस इन्हें क्या क्या कह रही है और किस तरह की बातचीत वहां पर हो रही है, बताइए। रोश में अन्नदाता इस पर लौटेंगे, एक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देखिए, बड़ी खबर किसानों के लिए राहत की खबर। किसानों को दिल्ली में एंट्री की परमिशन मिली, एक बड़ी राहत। जो परेशानियां झेली, जो झंझावतें दिखाई दी आज उनको, उस बीच में तो ये बहुत बड़ी राहत है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को आगे जाने की इजाजत अब दे दी है, रास्ते खोल दिए। करनाल बाईपास पर निरंकारी भवन तक जाने की इजाजत, केवल ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जाने की इजाजत अभी मिली है। किसान कह रहे हैं कि सबके पास साधन नहीं है, वो पैदल जाएंगे। दिल्ली पैदल जाने के लिए किसान अड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई हंगामा, कोई बवाल, कोई टकराव नहीं, बातचीत हो रही है। यहाँ तक कहा दिल्ली पुलिस ने कि जिनके पास साधन नहीं है, हम साधन मुहैया कराते हैं, आप साधन से जाइए। चीकरी बॉर्डर पर किसानों की भारी भीड़ इस वक्त मौजूद है दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली पहुंचकर केंद्र तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। किसानों के लिए राहत की खबर, बड़ी खबर। राहत ये कि नहीं रोका जाएगा अब दिल्ली कूच करने के लिए। दिल्ली कूच करने का रास्ता साफ, रास्ता क्लियर हो गया, ऊपर से इजाजत मिल गई, आदेश आ गया कि आप इन्हें मत रोकिए, इन्हें परमिशन मिल गई कि आप बुराड़ी मैदान में जाकर आंदोलन कर सकते हैं। राजा पटेल हमारे संवाददाता एक बार फिर से अपडेट लिए जुड़ गए हैं। राजा, फिलहाल क्या अपडेट है? बैरिगेट्स खोल दिए गए क्या? बातचीत जो हो रही थी किसान और दिल्ली पुलिस के बीच में कि आप पैदल नहीं जा सकते, आप साधन से जाइए, वो बातचीत खत्म हुई क्या? लगातार आप देख सकते हैं कि जो पुलिस, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए, लगातार किसानों से बातचीत की जा रही है। साफ तौर पर जो कमिश्नर है वो किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली पर जाइए, पर किसान मानने को तैयार नहीं है। लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार, ये देखिए ये किसान साफ तौर पर आप मना कर रहे हैं कि वो जाएंगे तो सिर्फ पैदल ही जाएंगे, अपनी बात को रोक रहे हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली और पुलिस के साधन पे नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर किसान लगातार, जो पुलिस के बड़े अधिकारी और आप किसानों को भी देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। पुलिस के जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी यहां पर जरूर मौजूद हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को परमिशन दे दी गई है, आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन जरूर कर सकते हैं, पर अपने अपने साधन से आप लोग जाएंगे, पैदल जाने की इजाजत नहीं है। पर उसके बावजूद किसान मानने को तैयार नहीं है, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हम जाएंगे तो सिर्फ पैदल ही जाएंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं तानातानी का माहौल लगातार जारी है, बातें लगातार हो रही है। पहले जॉइंट सीपी की बात करें, डीसीपी की बात करें, उनकी बात हुई थी, आप खुद यहाँ पर सीपी पहुंचे हैं, तो ऐसे में बातचीत लगातार हो रही है, पर बातचीत बेनतीजा भी हो रही है। किसान अपनी बातों पर आ रहे हैं कि हम कोई हिंसा नहीं करेंगे, कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात को रखने के लिए जा रहे हैं, हमको जाने दीजिए। तो वहीं दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो यही कह रहे हैं कि साफ तौर पर आप जाएंगे तो ट्रॉली में ही, जिस तरीके से जो परमिशन मिली है, ऊपर से हमारे पास जो नोटिफिकेशन आया है कि आप लोगों को अपने अपने वाहनों में ही जाने की हम इजाजत दे सकते हैं, पैदल जाने की इजाजत नहीं दे सकते, इसी को लेकर पेच फंसा हुआ। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग ज्यों की त्यों बनी हुई है। किसान यही कह रहे हैं कि हम यहीं पर डटे रहेंगे, हम कोई हिंसा नहीं करेंगे, हम अपनी बात को रखेंगे तो पैदल ही जाकर रखेंगे, वो यहीं पर डटे रहेंगे। इसी को लेकर लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि किसान जिस तरीके से जो बातें कर रहे हैं लगातार, आप देख सकते हैं कि बातों का जो दौर लगातार जारी है, पर जो जिस तरीके का जो अब से कुछ देर में, कुछ घंटे पहले जो हालात यहाँ पर तनाव को बने हुए थे, उसको लेकर वो राहत की खबर यह है कि पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर शांत हो गया है। किसान भी यहाँ पर कहीं ना कहीं शांत है, पुलिस की टीम भी पूरी तरीके से शांत आपको देख सकते हैं, पर जिस तरीके से किसान अभी भी रोष में है, साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि हम जाएंगे तो सिर्फ पैदल ही जाएंगे, हम अपने वाहनों में नहीं जाएंगे। उस चीज का पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, स्पेशल जो कमिश्नर है, वो यहाँ पर मौजूद है, लगातार ऊपर बात कर रहे हैं फोन पर, और उसके बाद ही नतीजा निकल पाएगा कि आखिरकार केंद्र सरकार क्या और भी झुकेगी, क्योंकि अन्नदाताओं की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग लाई है। लगातार पिछले काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, सरकार को यहाँ पर झुकना पड़ा है, दिल्ली में प्रवेश की इजाजत जरूर मिल गई है, मैं आपको बता दूं, पर अभी भी किसान ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे तो सिर्फ पैदल जाएंगे। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती होगी दिल्ली पुलिस के लिए और केंद्र सरकार के लिए कि आखिरकार जिस तरीके से अन्नदाता पैदल जाने की बात कर रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि क्या नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस की तरफ से आगे आती है। जी बिल्कुल, क्या नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस की तरफ से आती है इस पर मैं जरूर आपसे जानकारी लूंगी। हमारे संवाददाता राजा पटेल को आप लगातार सुन रहे हैं, सिंधु बॉर्डर से लाइव तस्वीरों के साथ, वो इन तस्वीरों को
ब्रीफ भी कर रहे हैं, माहौल शांत हो गया है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी तनातनी बढ़ रही है। तनातनी इस बात पर कि पैदल जाना चाहते हैं आप, पैदल जाने दीजिए। दिल्ली पुलिस कह रही है कि नहीं, आप अपने साधन से जाइए, बेहतर है, आप लोगों को तो अब परमिशन मिल गई है। किसान अभी भी कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक तरीके से जाएंगे लेकिन पैदल जाएंगे। इस बीच में कि दिल्ली पुलिस ने राजा इन्हें बातचीत में ये कहा कि अगर किसी के पास कोई साधन नहीं है, कोई सवारी नहीं है, तो मैं या दिल्ली पुलिस आपको मुहैया कराती है वो साधन, और आप साधन के जरिए जाइए। पैदल जाने के पीछे किसानों का क्या तर्क है कि वो पैदल ही जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, मैं आपको बता दूं कि लगातार दिल्ली पुलिस लगातार किसानों के से बात कर रही है, साफ तौर पर किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि आप लोग अपने वाहनों से जाइए। पर जो जानकारी हरियाणा न्यूज के पास है कि उन्होंने ये भी कहा है कि यदि जिन किसानों के पास वाहन मुहैया नहीं है, दिल्ली पुलिस उनको वाहन मुहैया कराएगी और उस ग्राउंड तक छोड़ेगी जहां तक परमिशन दी गई है। तो साफ तौर पर लगातार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बातचीत का यहाँ पर सिलसिला जारी है। देखिए किसान अपनी बातें रख रहे हैं, यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं, आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, आके किसानों को किसानों को तो हम तो अपनी मांगे ले रहे हैं। किसान ने पुत्र ने उठा के जेल में डाल दो, छोटे मुंडे ने एक बड़ा बगल में मेरे गाने को मारा, चाचा को तारू का भी होगा मारा। देखो देख ले, गोली चला रहे हैं बस। क्या कह रहे हैं पुलिस के जवान? तेरे सामने जो जवान है वो नहीं कह रहे क्या? आप लोगों को इजाजत मिल गई है टोली में, आप लोग जा सकते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी बात को रखने। अभी तो नहीं जानते, अभी नहीं जाने दे रहे, मना कर रहे हैं वो लोग। वो जो बेनतीजे यहाँ पर होती हुई साबित आई है, साफ तौर पर जो पुलिस का जवान है इनको पैदल नहीं जाने देने की इजाजत दे रहे हैं, उसको लेकर जो किसान है यहाँ पर डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, क्या कुछ पुलिसकर्मी से आप बात कर सकते हैं कि पैदल नहीं जाने देने के पीछे क्या आदेश है? अगर ये पैदल शांतिपूर्वक तरीके से पहुंच रहे हैं बुराड़ी मैदान तक, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या ट्रैफिक को लेकर किसी तरह की चिंता सता रही है दिल्ली पुलिस को, या क्या दिक्कत क्या है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं उनसे बात करने की हम जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो परमिशन यहाँ पर दी गई है उसके बावजूद ये जो किसान आरोप लगा रहे हैं कि साफ तौर पर इनको अभी भी जाने नहीं दिया जा रहा है। देखिए तमाम जो ये देखिए यहाँ पर जो ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई यहाँ पर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं साफ तौर पर, ये पुलिस के जवान हैं, यहाँ पर लगातार बातचीत यहाँ पर की जा रही है किसानों से। साफ तौर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देखिए, लगातार पुलिस के बड़े अधिकारी बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं किसानों को। पर किसान साफ तौर पर अभी भी यही आरोप लगा रहा है कि परमिशन मिलने के बाद भी दिल्ली पुलिस उनको जाने नहीं दे रही है। तो ऐसे में लगातार आप ये देखिए कि लगातार जो नौजवान हैं वो यहाँ पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर दिल्ली के कोई नेता भी यहाँ पर जो है वो बात कर रहे हैं किसानों से। तो साफ तौर पर जिस तरीके से परमिशन दे दी गई है उसके बावजूद क्या पेच फंसा है, उसको लेकर हम पुलिस के अधिकारियों से यहाँ पर बात करने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिरकार क्या रीजन है, कहाँ पेच फंसा हुआ है। क्योंकि जो किसान अभी जिस तरीके से हमारी बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि बैरिकेड यहाँ पर नहीं खोले जा रहे हैं साफ तौर पर। अब ये देखिए जो किसान हैं इनसे और जो यहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं इनसे हम बात करने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिरकार पेच कहाँ पर फंसा है। यहाँ पर तमाम बड़े अधिकारी मौजूद है, ये देखिए लगातार बातचीत की जा रही है, समझाने की कोशिश जरूर यहाँ पर की जा रही है। पर जिस तरीके से जो किसान यही आरोप लगा रहे हैं कि बैरिकेड को नहीं खोला जा रहा है, बात ये है कि पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो नोटिफिकेशन है, वो ये है कि अपने अपने वाहनों से ये जा सकेंगे। पर किसान जो ये कह रहे हैं कि हम पैदल जाएंगे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आया है। देखिए लगातार जो बातचीत है यहाँ पर की जा रही है, ये देखिए जो तमाम किसान यूनियन की बात करिए, देखिए महिला बड़ी अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी लगातार बात कर रही हैं साफ तौर पर, समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को। पर बातें लगातार बेनतीजा। बिल्कुल, जब ये बातचीत इनकी किसानों के साथ समाप्त होगी, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ इस वक्त आपकी स्थिति, जब उनके साथ बातचीत समाप्त होगी तभी अधिकारी आपको अपना वक्त दे पाएंगे राजा। तो वो बातचीत आप जरूर करें कि जो आदेश मिला है कि बुराड़ी मैदान तक जा सकते हैं आप, जाने दीजिए, उसके लिए गाइडलाइंस क्या थी? क्या ये कहा गया है कि गाड़ी से ही जाएंगे, पैदल नहीं जा सकते, और इसके पीछे क्या तर्क है? आप बात जरूर कर रहे थे किसान के साथ, किसान नेताओं के साथ जब, लेकिन उनकी आवाज बहुत बेहतर तरीके से हम तक पहुंची नहीं। आपका सवाल था पैदल जाने को लेकर, तर्क क्या है कि पैदल ही जाएंगे, साधन नहीं है अभी उनके पास इसलिए पैदल जाना चाह रहे हैं, या पैदल जाने के लिए ही निकले थे दिल्ली कूच करने को इसलिए उन्हें पैदल जाना है? एक सवाल।
दूसरा सवाल ये, क्या अब जिन किसानों को चोटें आई थी, जो बेहोश हुए थे, जो घायल हुए थे, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, उनके लिए कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था थी वहां पर? थोड़ा उस तरफ भी मैं जाकर आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, हम बात करें तो साफ तौर पर किसानों से हमारी लगातार जो बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि हम पैदल जाएंगे, और जो पुलिस की जो टीम बता रही है वो ये कह रही है कि साफ तौर पर जो परमिशन मिली है वो यही मिली है कि साफ तौर पर कि अपने अपने वाहनों से ही किसान यहाँ पर जा पाएंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम बड़े अधिकारी अब बात जरूर कर रहे हैं किसानों से। और दूसरी तरफ बात करें, जो किसान जो घायल थे उनका उपचार भी चल रहा है यहाँ पर, तमाम एम्बुलेंस की बात करें, तमाम डॉक्टर्स की बात करें मौके पर मौजूद है। तो जो किसान घायल हुए हैं लाठीचार्ज में उनका भी इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार जो बातें हैं वो यहाँ पर बातें तो जरूर हो रही हैं पर बेनतीजा भी हो रही है, क्योंकि किसान साफ तौर पर गुस्से में हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से ही वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले सुबह से लगातार किसानों के ऊपर डाले गए। फिर आपको रोक रही हूँ, मैं लौट रही हूँ, तब तक कोशिश कीजिए अगर किसी भी अधिकारी या पुलिसकर्मी से आपकी बात हो सके कि गाइडलाइंस क्या मिले हैं पैदल नहीं जाने दिए जाने को लेकर, या ये कैसे भी बुराड़ी मैदान तक जा सकते हैं अगर शांतिपूर्वक जाते हैं तो। एक बड़ी खबर इस बीच में इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं, देखिए बड़ी खबर। किसानों के आंदोलन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, पीएम को याद रखना चाहिए था। राहुल गांधी ने लिखा कि पीएम को याद रखना चाहिए था कि जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित हो जाता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को कोई सरकार नहीं रोक सकती। राहुल ने लिखा कि मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी ही होंगी, सरकार को काले कानून वापस लेने होंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि ये तो बस शुरुआत है। किसानों के आंदोलन पर राहुल गांधी का ट्वीट, एक के बाद एक अब ट्वीट आने लगे हैं। पहले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर का ट्वीट आया, अब राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, लिखा है ट्वीट करते हुए कि पीएम को याद रखना चाहिए था, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित हो जाता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को कोई सरकार नहीं रोक सकती। राहुल अपने ट्वीट में लिखते हैं कि मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी ही होंगी। राहुल ने आगे लिखा कि सरकार को काले कानून वापस लेने होंगे, ये तो बस शुरुआत है। बड़ी खबर, राहुल गांधी का ट्वीट, किसानों के आंदोलन पर ट्वीट किया है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने। लिखते हैं कि प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए था, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित हो जाता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को कोई सरकार नहीं रोक सकती। मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी होंगी, सरकार को काले कानून वापस लेने होंगे। राहुल अपने ट्वीट के आखिर में लिखते हैं कि ये तो बस शुरुआत है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, राहुल गांधी का ट्वीट, किसानों के आंदोलन पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट की शुरुआत प्रधानमंत्री से किया, लिखा पीएम को याद रखना चाहिए था, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित हो जाता है। जैसे ही किसानों को दिल्ली में आंदोलन करने की परमिशन मिली, राहुल गांधी का ट्वीट आ गया कि जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित हो जाता है, मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी होंगी, कोई सरकार किसानों को रोक नहीं सकती, सरकार को काले कानून वापस लेने होंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और आखिर में लिखा कि ये तो बस शुरुआत है। राहुल गांधी का ट्वीट दिखाने के साथ साथ बड़ी खबर, ये ट्वीट देख लीजिए, राहुल गांधी का ट्वीट जहां पर उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र किया, किसान आंदोलन पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, एक बार फिर सुना देती हूँ पढ़ के, पीएम को याद रखना चाहिए था, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित हो जाता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को कोई सरकार नहीं रोक सकती। मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी ही होंगी। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को काले कानून वापस लेने होंगे, ये ट्वीट किया उन्होंने और आखिर में लिखा कि ये तो बस शुरुआत है। राहुल गांधी का ट्वीट देखें आप, इस वक्त की बड़ी खबर, एक के बाद एक ट्वीट आने अब शुरू हो गए हैं। किसान आंदोलन पर तीन कृषि कानूनों के खिलाफ
जब किसान निकले दिल्ली कूच करने के लिए। जब से ऐलान किया उस ऐलान से लेकर अभी तक लगातार हरियाणा न्यूज अपडेट पहुंचा रहा है। ताजा अपडेट, राहुल गांधी का ये ट्वीट, मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी होंगी, सरकार को काले कानून वापस लेने होंगे। ये तो बस शुरुआत है। राहुल गांधी का ट्वीट देखें आप, इस वक्त की बड़ी खबर। इस बड़ी खबर के बाद एक बार फिर राजा पटेल के पास वापस लौट रहे हैं। राजा पटेल, बात बनी क्या? राजा पटेल, आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए, संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में पुलिस के आला अधिकारी, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी किसानों को समझा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आपको परमिशन दे दी गई है, आप बुराड़ी मैदान में जाइए, आंदोलन कीजिए, लेकिन आप अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ जाएं, आप पैदल मत जाइए। लेकिन किसान पैदल जाने के लिए अड़े हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज रोहतक से, किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। रोहतक से बड़ी खबर, किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। रोहद प्लाजा पर किसान मानने को तैयार नहीं, किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। रोहतक से बड़ी खबर, किसानों पर, अब देखिए किस तरह से पानी की बौछार, ये वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें पीछे हटाने के लिए, वापस भेजने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक, किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। साथ में आप पुलिस कर्मी और सुरक्षा कर्मियों की तादाद इन तस्वीरों में, इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। किसानों को दूर भगाने के लिए बैरिगेट्स तो लगाए गए, लेकिन जब किसान फिर भी नहीं माने तो उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है यहाँ पर प्रशासन ने, किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बड़ी खबर रोहतक से पहुंचा रहे हैं, जहाँ किसानों को पीछे हटाने के लिए, वापस भेजने के लिए वाटर कैनन का सहारा लिया गया, लेकिन किसान फिर भी अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ रोहद प्लाजा पर किस तरह से किसानों को पीछे हटाया जा रहा है, ये खबर पहुंचा रहे आप तक। किसान मानने को तैयार नहीं, प्रशासन आगे बढ़ने देने को तैयार नहीं। हमारे संवाददाता हर्षवर्धन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हर्ष, वाटर कैनन का इस्तेमाल ये अब किया जा रहा है जब दिल्ली में आंदोलन की परमिशन मिल गई है किसानों को? देखिए बिल्कुल अनामिका, आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से रोहतक से जो किसान जो निकले थे और वो जो रोहतक टोल प्लाजा के ऊपर वहां पहुंचे थे, तो वहां पर जो है वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। हालांकि सरकार की तरफ से अनुमति मिल गई है कि वो केंद्र के अंदर जो है वहां पहुंच करके उनको मंजूरी भी दे दी गई है, लेकिन उसके बाद भी जो है वाटर कैनन का प्रयोग करना, तो ये कहीं ना कहीं एक निंदनीय कार्य जो है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन किसानों का साफ तौर पर वो किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे और दिल्ली को जो है बिल्कुल हर हालत में जाएंगे। हालांकि अभी की भी बात की जाए तो अभी भी काफी तनावपूर्ण स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से रोहतक से जो महम से निर्दलीय विधायक है बलराज कुंडू, वो भी वहां पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी जेसीबी से ही जो उन पत्थरों को हटवाया, उसके बाद वो अपने काफिले के साथ जो है टोल प्लाजा को क्रॉस करते हुए दिल्ली की तरफ रवाना हो गए हैं। जी नहीं, चलिए एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है अंबाला से, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर अंबाला से, गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर केस दर्ज। अंबाला से बड़ी खबर, गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर केस दर्ज हो गया है। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर अंबाला के पड़ान थाने में मामला दर्ज, बड़ी खबर अंबाला से। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जिन पर केस दर्ज हो गया है, अंबाला के पड़ान थाने में मामला दर्ज किया गया है गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ। ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर अंबाला से पहुंचा रहे हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर केस दर्ज। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष है
गुरनाम सिंह चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अम्बाला के पड़ान थाने में मामला दर्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर अम्बाला से, गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर केस दर्ज। जानना अहम है कि जो मामला दर्ज किया गया है उसमें आरोप क्या है इन पर। अम्बाला के पड़ान थाने में मामला दर्ज किया गया है। अम्बाला से बड़ी खबर, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राजकुमार शर्मा हमारे संवाददाता अम्बाला से जुड़ गए हैं। राजकुमार, गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर केस दर्ज क्यों? जी बिल्कुल, 25 नवंबर को जब ये दिल्ली कूच की बात हुई थी तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी यहाँ मौके पे थे मोहरा में, और किसानों ने जो प्रदर्शन कर रहे थे और उसी दौरान इन्होंने जो है पुलिस पर गाड़ी चलाने की कोशिश की थी। इसी को देखते हुए एसपी अम्बाला में इनके खिलाफ थाना पड़ाव में ये मामला दर्ज किया है, और इस प्रकार के इनके सहित जो कई अन्य किसान है उन पर भी मामले दर्ज किए गए। जी क्या आप एक बार फिर से दोहरा सकते हैं कि कब का वाक्य है? जी ये जब 25 तारीख को गुरनाम सिंह चढ़ूनी और इनके किसान जो थे मोहड़ा में जाम लगाए बैठे थे, और उस समय एसपी सहित अन्य पुलिस कर्मचारियों ने यहाँ बैरिकेड लगा रखे थे और इनको समझा रहे थे, लेकिन किसान नहीं माने और चढ़ूनी सहित ट्राली वाले थे इन्होंने जो है पुलिस पर ट्राली चढ़ाने की कोशिश की थी, और इसके साथ ही कानून का उल्लंघन सहित कई किसानों के खिलाफ इस प्रकार का मामला एसपी अम्बाला ने दर्ज करवाया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कितने किसानों पर केस दर्ज हुआ है? ये अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एसपी का ये कहना है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित अन्य किसानों पर इस तरह के कई मामले दर्ज किए गए जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। जी क्या तभी गुरनाम सिंह चढ़ूनी को हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए था जब उन्होंने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की? जी पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की जो कोशिश तो दूसरों ने की थी, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो थे पूरे एजिटेशन का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए पुलिस ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित अन्य किसानों के खिलाफ कानून के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। ठीक है, आगे क्या एक्शन लिया जाता है इस पर मैं लौटूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी।